हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन FVG के बारे में पढ़ने वाले हैं कि FVG क्या होता है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है एंड अपन इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, दो तीन कैंडल ड्रॉ करूंगा एंड देन इन कैंडल्स के माध्यम से अपन सारी चीजों को वन बाय वन करके समझने वाले हैं, ठीक है? एंड कि ये FVG वगैरह कैसे वर्क करता है। तो मैं आपके सामने तीन कैंडल ड्रॉ किया हूँ, ठीक है? तीन कैंडल के अंदर इनकी विक्स भी आ गई, ठीक है? कैंडल की जो विक होती है वो भी काउंटेड में हो चुकी है कि कैंडल की विक क्या है एंड कैसे वर्क करेगी, वो सारा चीज, ठीक है? एंड ये थर्ड कैंडल की विक होगी, ठीक है? अब आपको यहाँ पे समझने वाली चीज ये कि FVG क्या होता है, FVG कैसे काम करता है एंड FVG का जो पैटर्न है वो कैसे बनता है। तो फर्स्ट चीज यहाँ पे आपको जो समझने वाली है कि जो FVG होता है, ठीक है, वो बाई साइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बाई साइड के लिए क्या होता है। फर्स्ट फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड, थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ठीक है? बाई साइड FVG कैसे देखेंगे? ये फर्स्ट कैंडल का हाई हो गया, विक से काउंट किया जाएगा, बॉडी से नहीं करेंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये आपका हो गया FVG, ठीक है? सेम इसी तरीके से सेल साइड के लिए उल्टा हो जाएगा इसका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? सेल ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सारी चीजें, तो आपको दिख जाएगी कि इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है? अब इसी को आप रिवर्स में करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अभी वो भी समझा दूंगा। तो ये क्या होता है, एडवांस तरीके का जो ट्रेडिंग होता है उसमें यूज करने वाली चीजें होती है SMT के अंदर, FAG वगैरह, इम्बेलेंस वगैरह, ठीक है? तो यहां पर ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है कि जब भी आपका मार्केट ऐसा एक जोन बनेगा, नेक्स्ट जो भी कैंडल होगी इस जोन के अंदर आएगी, तो मार्केट क्या करेगा, कुछ इस तरीके से टैप करेगा यहाँ पे, ठीक है? मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, टैप करेगा, इसके अंदर आएगा देन बाई साइड जाएगा। तो ये यूज होता है FVG का। अभी आपको मैं चार्ट में भी दिखा दूंगा कि FVG वर्क कैसे करता है। अब इसकी दो से तीन कंडीशन है आपको वो समझनी है। थर्ड कैंडल बनने के बाद सपोज करिए यहाँ पे फोर्थ कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब फोर्थ कैंडल का जो विग होता है ये कुछ इस तरीके से इतना बड़ा विग हो जाता है एंड यहाँ पे आके इस तरीके से आता है। तो ये क्या होगा, अब आपका ये FVG यहीं पे यूज हो चुका है, अब ये नेक्स्ट टाइम आप इसको ऐसे यूज नहीं करोगे, ठीक है? ये FVG एक बार यूज हो चुका, अब दोबारा ये यूज में नहीं होगा, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से समझ लेना है कि जिस FVG का या जिस भी चीज का एक बार यूज हो चुका उसको दोबारा यूज में अपन नहीं लेंगे। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है, हो सकता है कि आपके पास इतना सा गेप बचे, आपका ये कुछ इस तरीके से, ये आपकी ये भी बड़ी वाली हो, ठीक है? तो ये भी कंसीडर किया जाएगा। अब जो जितना सा गेप बचा हुआ है ये एज ए FVG के तौर पे वर्क करेगा, ठीक है? तो बात ड्रॉ कर देता हूँ, ये इतनी सी जो गेप अप है बीच के अंदर, ये आपका क्या करेगा, FVG का वर्क करेगा, ये वाला एरिया, ठीक है? ये FVG का आपका वर्क करेगा। तो इस चीज को भी आपको कंसिडर करना है, इस चीज को भी आपको समझना है, ठीक है? और भी काफी सारे तरह के इसमें केस हो सकते हैं, जैसे एक दो और देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो है
कुछ इस तरीके से अपना हाई वीक बनाता है। अब क्या हो गया कि थर्ड कैंडल जो ये इस हाई को ब्रेक कर दे रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका कोई भी एफवीजी वाला एरिया नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एफवीजी नहीं, अब आपकी फर्स्ट कैंडल ये थी, अब आपको इसको फर्स्ट कैंडल मानना होगा। तो आपका फर्स्ट कैंडल ये रहेगा, एंड देन इसका सपोज करिए वीक कुछ इतना सा है, तो ये आपका हो गया थर्ड कैंडल एंड एफवीजी, ये गैप बनेगा। तो इसी तरीके से आपको एक सिस्टम देखना होगा, एक चीज फाइंड आउट करनी होगी कि कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ये हो गया बाई साइड के लिए। अब सेल साइड के लिए अपन देखते हैं। यहाँ पे सेल साइड के लिए भी मैं सेम एज इट इज कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये तीन कैंडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, विग इधर से कॉपी कर लेते हैं। अब सेल साइड में कैसे वर्क होगा देखिए। सेल साइड में लिखा फर्स्ट कैंडल का लो, तो ये फर्स्ट कैंडल का लो हो गया। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो हो गया, एंड देन उसके बाद लिखा है थर्ड कैंडल का हाई, ये थर्ड कैंडल का हाई हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, जब भी रिवर्स करेगा अपना कुछ इस तरीके से, एंड इस एफवीजी के अंदर जाएगा, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे सेल साइड के लिए। तो ये यूज हो गया एफवीजी का। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। बाकी जो सारी चीजें मैंने बताई, तीन से चार अलग अलग तरीके के केस, वो सेम इसमें भी फॉलो होंगे। आप इसमें चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें इसके अंदर भी फॉलो होगी। ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करनी है। अब एडवांस एसएमसी के अंदर कुछ चीजें और है कि जो आपने ये पढ़ा है, क्या इसके अंदर देखिएगा। अब एक न्यू केस ऐड होगा, वो सबसे अच्छा लगेगा आपको देखने में, वो क्या होता है एंड कैसे होता है उसको भी समझिए आप। सपोज करिए यहाँ पे मार्केट एक कैंडल बनाता है। ठीक है, मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म क्रिएट कर रहा है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मार्केट इस तरीके से कुछ कैंडल क्रिएट कर रहा है, चाहे बाई साइड हो चाहे सेल साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी थर्ड कैंडल इनकी बनेगी, जो थर्ड कैंडल होगी, उस थर्ड कैंडल में क्या रहेगा, वो भी आप समझिएगा थोड़ा सा जो मैं कहना चाहता हूँ। जो थर्ड कैंडल रहेगी, अब आप इस तरीके से क्या करेंगे, आपने मार्किंग कर दिया ये एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। अब जिस कैंडल से आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है, वो कैंडल क्या होती है, इस टॉप से लेकर यहां तक ये आपका होता है ऑर्डर ब्लॉक। बस ऑर्डर ब्लॉक भी आप समझ गए होंगे, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी खत्म हो गया इसी के अंदर, एफवीजी के अंदर। बस जिस कैंडल से आप फर्स्ट कैंडल जिसको मानोगे, ठीक है, उस फर्स्ट कैंडल का जो टॉप है और वहां से बॉडी का एरिया ओपनिंग या क्लोजिंग का, डिपेंड ऑन साइड कि बाई साइड में मार्केट है या सेल साइड में, वहां तक आपका क्या रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। सेम चीज यहाँ पे सेल साइड के अंदर, यहां से ये फर्स्ट कैंडल अपन ने ये मानी थी, ये एरिया आपका हो गया। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के अंदर से मार्केट जाएगा, एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के अंदर से मार्केट सेम बाई साइड में जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीजें आपको आती है, देन वेल एंड गुड, आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया रफ तरीके से। अब चलते चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे आप देख सकते हो इन चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहीं पे देख लीजिए, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, एंड आपकी थर्ड कैंडल ये थी, खत्म होते मार्केट ने क्या किया, बाई साइड में गया एंड मार्केट यहां तक आ गया। ठीक है, तो आपका एफवीजी तो कवर हो गया, लेकिन जिस फर्स्ट कैंडल को आपने माना था, वो ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पेंडिंग बचा हुआ ये वाला। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, सेम यहां पे होगा। देखिए ये फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल का अपन क्या करेंगे, लो मार्क कर दिया, एंड ये थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर दिया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए, फर्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल, रेड कैंडल का लो मार्क कर दिया एंड थर्ड कैंडल का ये हाई मार्क अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब ये जो बीच का गैप है, इसी गैप को क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज है, अगर आप सीख गए तो देन ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। ये फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपने देखा तो जो ये टॉप वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल हो जाएगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक। अब आप बोलोगे ये बीच में भी फेयर वैल्यू गैप है, तो आपको हर जगह मार्क नहीं करना है, आपको टॉप या बॉटम के पास मार्क करना है। दूसरी चीज, जहां पे करंटली मार्केट चल रहा है उस एरिया पे मार्किंग करके आपको एंट्रीज वगैरह प्लान करनी है। जैसे करंटली मार्केट कहाँ पे चल रहा है वो देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी मार्केट का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, ठीक है। मार्केट की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद अब मार्केट क्या करेगा, इस वाले आईडीएम को कलेक्ट करेगा, ठीक है। इस आईडीएम को कलेक्ट करने के बाद मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे एफवीजी भी है, ये आपका एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से एंट्री एंड एग्जिट वगैरह प्लान करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी आती है, आप अच्छे से सारी चीजें जानते हैं, तो इस तरीके से कुछ एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप चेक कर सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है। अगर आप इजी वे में सारा कुछ समझना चाहते हैं, 3 मिनट पे चले जाइए, आप और अच्छे से कंसिडर करना चाहते हैं 1 मिनट पे चले जाइए, तो 1 मिनट पे आपको यहाँ पे अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है, 3 मिनट पे भी आपको सेटअप दिख रहा है कुछ ना कुछ। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे आपको चीजें समझ में आती है, कैसे आप उन चीजों को एनालिसिस करना चाहते हैं। तो ये अप टू यू, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका ये वाला पार्ट, देन अब इसके अंदर बात करते हैं कुछ चीजों को और लेके, मैं इसी के अंदर आपको और बता देता हूँ। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, जैसे ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये छोटा सा है मिक्सअप हो गया, तो इसको अपन नहीं लेंगे, अपन उसके नीचे वाली कैंडल को लेंगे। कौन सी को, इसको लेना था पहले, लेकिन अब इसको लेंगे। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, तो ये हो जाएगा आपका एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। एंड जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल हो जाएगी एज ए ऑर्डर ब्लॉक, तो आपका मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे कि ट्रेडिंग इजी भी होगी, आपको ट्रेड करने मजा भी आएगा एंड सारी चीजें आप प्रॉपरली सेटअप के साथ ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको ट्रेड्स वगैरह प्लान करनी है, सारा सेटअप करना है, सब कुछ इसी तरीके से आपको करना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या सेटअप है, कैसे होगा सारा कुछ। थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब न्यूज आई थी तो मार्केट पूरा डाउन आ गया, ठीक है। डाउन आने के बाद मार्केट का क्या सिनेरियो रहा देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये वाला जो एफपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है पेंडिंग बचा हुआ है, तो मार्केट का क्या रहा, ये लास्ट वाला रहा। तो अभी तक मार्केट ने क्या किया, इस लास्ट एरिया से यहाँ पे डायरेक्ट लिक्विडिटी कलेक्ट करके मार्केट चले गया, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के केस में मार्केट ने क्या किया एंड कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि बाई जा रहा है या सेल जा रहा है, डिपेंड ऑन मार्केट कि मार्केट किस तरीके से अपना मोमेंटम देता है। जैसे भी मार्केट मोमेंटम देगा, चाहे बाई साइड हो चाहे सेल साइड हो, आपको क्या करना है, पता करना है कि मार्केट जो मोमेंटम दे रहा है वो किस अकॉर्डिंग दे रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे किस तरह की ट्रेडिंग हो रही है, वो सारा कुछ आपको देखना है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ आपको देखनी आ गई, देन आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। अभी इस एरिया का अपन वेट करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे पीछे वाले चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो,
ये इतना बना मार्केट यहाँ तक गया, अगेन मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया है, पूरा का पूरा मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। चलो कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ तक आया, अगेन आया, देन यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो गया। ये सेम चीज हुई, दूसरे किसी और पेयर पे चलते हैं, पर ये देखिए, ये मैंने एक मार्किंग किया हुआ है पहले से ही, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड ये थर्ड कैंडल का लो, तो ये क्या होगा, ये एरिया बन गया आपका FVG, जिसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप में आप देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का लो भी आ गया यहाँ पे एंड थर्ड कैंडल का हाई, इस लो को टच करने के बाद मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया है। ठीक है, आपको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली मार्केट रन कैसे हो रहा है। मेरा टारगेट है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने का, मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है डेफिनेटली आएगा। इसके बाद में बात करें तो ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे नहीं आया, बट FVG से भी रिवर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक का मार्केट वेट करेगा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अलग चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा कुछ। यहां पे इस एरिया से ये वाली कैंडल थी, मार्केट यहां पे आया, स्वीप करके चले गया था। अब आपका फिल्टराइजेशन जोन ये बसता है, बट अपन इतना भी ना ले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए ऑलरेडी। लेकिन अब ये जो बचता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इस एरिया से लेकर, इस एरिया से लेकर, मैं मार्किंग कर देता हूँ, इस एरिया से लेकर इस एरिया के जोन का, जो बीच का एरिया है, उस पर आप कैसे ट्रेड करेंगे, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको सीखनी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या हुआ, मार्केट आया एंड मार्केट ने टच किया एंड मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे आपका FVG भी पेंडिंग है, ये वाला एरिया FVG हो गया आपका, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये फर्स्ट कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल, तो ये आपका FVG हो गया। तो ये जितनी भी मार्किंग्स एंड पैटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सभी पैटर्न्स को आपको फॉलो करना है, रियल चार्ट पे आपको टेस्टिंग करना है, सारी चीजों को अच्छे से समझना है, देन आपको मार्केट में इंप्लीमेंट करना है एंड आपकी ट्रेडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, बट प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।